नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक ओबीएस के ऊपर ही है। ओबीएस में हम पावर पॉइंट स्लाइड शो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका वीडियो कैसे बनाती है ये जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ओबीएस चाहिए, जो कि हमारे पास ओबीएस ओपन है। ओबीएस ओपन होने के बाद में आपको चाहिए पावर पॉइंट विंडो। यहाँ पर हम पावर पॉइंट विंडो ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पावर पॉइंट विंडो है ये अभी ओपन हो चुका है। हम ओबीएस में चलते हैं। अब आपको ओबीएस में पावर पॉइंट विंडो शो करना है तो कैसे शो करेंगे? आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन पे ये जो सोर्स आइकॉन एरिया होता है, मैं आपको इसका एरिया भी बता देता हूँ जूम करके। ये जो सोर्स एरिया होता है यहाँ पर प्लस आइकॉन है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसमें विंडो कैप्चर बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप विंडो कैप्चर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्रिएट सिलेक्ट सोर्स करके ऑप्शन आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे विंडो कैप्चर लिखा रहेगा। आपको सिंपली इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके यहाँ ये जो विंडो है आपकी पावर पॉइंट विंडो यहाँ पे शो होने लगेगी। मेरे केस में शो होने लगी है। इन सम केस अगर आपके केस में शो ना हो तो मैंने इसके ऊपर एक सोल्यूशन वाला वीडियो बनाया हुआ है, वो आई बटन पर है, आप उसे जाके देख सकते हैं और आपका प्रॉब्लम जो आएगा आपको वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आई बटन पर नहीं जाना चाहते तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूंगा। अगर आपका फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको तो आप घबराइए मत, मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे ओके करते हैं। अब ये ओके हो गया है। अब हमें सिंपली क्या कहाँ जाना है, हमें पावर पॉइंट विंडो में जाना है। अब यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ओबीएस में रिकॉर्ड होता जाएगा। क्या क्या रिकॉर्ड होगा? यहाँ पर जो भी आप कर्सर लेके जाएंगे, सब्सक्राइब पे जाएंगे, अवर पे जाएंगे या फाइल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे या ज्ञान सेक्शन टेम्पलेट पे जाएंगे या यूट्यूब चैनल इधर भी जाएंगे, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। और यूट्यूब जो आपका वीडियो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ओबीएस करता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि हमें ये टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाने नहीं चाहिए। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये हम दिखाने नहीं चाहते, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए हमें आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग करनी है। तो सेटिंग बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो दिख रही है पॉइंट डॉटेड, आपको यहाँ आना है। देखिए मैं जूम करके बता देता हूँ, ये जो डॉटेज से यहाँ आना है और यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे खसखसका देना है। इधर इसे कंट्रोल दबा के आपको ये पूरी सेटिंग करनी है, या आप थोड़ा मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सेट। अब हम यहाँ पे इसको ये जो लॉक है इस पर क्लिक करते हैं। ये आप यहाँ से हिलेगा नहीं, आप इसको किधर भी हिलाएंगे तो यहाँ से हिलेगा नहीं। ये लॉक बटन यहाँ से आप इसको लॉक कर दीजिए। अब अगर हम इस टाइम ये सेटिंग करने के बाद में अगर पावर पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे, ये देखिए कर्सर इधर है लेकिन सिलेक्शन यहाँ आपका ये है, आवर का जो पोर्शन है आपका ये ही आपका रिकॉर्ड होगा। ये सब्सक्राइब में इधर जो माउस है मेरा ये आपका सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो एरिया है मैंने सिलेक्ट किया वही एरिया आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा। वो सिलेक्ट होने की वजह से सिर्फ ये एरिया आपका वीडियो में रिकॉर्ड होगा। तो ये एक सेटिंग थी। अब हम एक और बात जान लेते हैं। अगर हमें इसकी पूरी विंडो है ये रिकॉर्ड करनी है, या अगर हम यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड शो लगाते हैं ये वाला ऑप्शन एक्सेस करते हैं तो ये सेटिंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ओबीएस में आना है। ओबीएस में आने के बाद में आपको ये जो विंडो कैप्चर है इसको ऑफ कर देना है और ये जो डिस्प्ले कैप्चर है इसको ऑन कर देना है। ये डिस्प्ले कैप्चर ही जैसे विंडो कैप्चर ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। देखिए डिस्प्ले कैप्चर, यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर करेंगे तो ये डिस्प्ले कैप्चर ऐड हो जाएगा। ये डिस्प्ले कैप्चर हो गया हमारा। हम ये पूरा आधा ही दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसका ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और इससे फिट कर देते हैं, ये पूरा एरिया फिट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, हमारा विंडो कैप्चर नहीं हो रहा है, हमारा पूरा स्क्रीन कैप्चर हो रहा है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको पावर पॉइंट में जाना है और यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। ये अभी पूरा विंडो कैप्चर हो रहा है, सिंपली यही वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वन बाय वन स्लाइड ऑटोमेटिकली शो होने लग जाती है। तो इस प्रकार आप आपके जो वीडियो है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक डिस्प्ले कैप्चर हो गया, विंडो कैप्चर हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सभी के सोल्यूशन दिए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।